उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी की गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए ये वो फैसला जिसका निश्चित तौर पर सभी धर्मगुरुओं ने स्वागत किया होगा, क्योंकि ये किसी धर्म विशेष के लिए नियम नहीं लेकर आया गया बल्कि सभी धर्मों पर इक्वली अप्लाई किया गया। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के विवाद इस वक्त गहराया हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार की इससे बड़ी पहल कही जाएगी, जहां पर उन्होंने मंदिर मस्जिद जो भी, इसके अलावा चर्च गुरुद्वारा जो भी धार्मिक स्थल है उनमें तय मानकों के हिसाब से ही लाउड स्पीकर की आवाज बजाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी नियम से उल्लंघन होंगे तो लाउड स्पीकर वहां से हटाए भी जाए। और अब तक जो ये जो जानकारी आई है शासन स्तर पर कि 17,000 के करीब लाउड स्पीकर की आवाज स्वेच्छा से कम की गई है और 700 तो उतरवा ही लिए गए हैं और इस पूरे मामले में 30 अप्रैल तक शासन से रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसमें ये रिपोर्ट जो होगी वो कमिश्नर के माध्यम से, जो कमिश्नरेट है पुलिस और उनके जरिए जो वहाँ के एसपीज हैं उनके जरिए शासन को भेजी जाएगी। इसमें धर्मगुरुओं से संवाद भी किया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, उसके आधार पर ही जो अवैध लाउड स्पीकर है वो हटाए जाएंगे और जो निर्धारित जहाँ पर लगे भी हैं जो लाउड स्पीकर, ये तय किया गया है कि वो लाउड स्पीकर वो निर्धारित डेसिबल है जो शोर के दायरे में नहीं आएंगे उसके ही अनुमति उनको ही दी जाएगी, वही काम कर सकेंगे। और इसी के साथ ही क्योंकि कई सारे भी धार्मिक त्यौहार भी आ रहे हैं इसीलिए पूरे एक क्षेत्र जो थानावार एक लिस्ट बनाने की भी आदेश दिए गए हैं कि इस पर सारी जगहों पर नजर रखी जाए, एक लिस्ट बनाई जाए कि कहाँ कहाँ ध्वनि सीमा का मानक पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जो धार्मिक जब आयोजन का वक्त आए, क्योंकि तमाम त्यौहार हैं, हनुमान जयंती, रामनवमी, ईद भी आने वाली है, तो ऐसे सारे त्योहारों में कोई भी कानून व्यवस्था में अड़चन आए इसका खास ख्याल रहे और ये बंदोबस्त उचित बना रहे। तो इसलिए एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम योगी सरकार का माना जा सकता है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा ये भी है कि किस आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सी लाउड स्पीकर वैध है, कौन से अवैध है, और वहीं अगर कोई बड़ा आयोजन करना होगा तो उसके लिए किस तरीके से एप्लीकेशन दायर करनी होगी ताकि परमिशन मिल सके। देखिए अभी ये तय हो गया है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि रात के 10 बजे के बाद से कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं हो सकता है, हालांकि इस मानक का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन अब ये सख्ती की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के साथ साथ जो डेसिबल साउंड है वो डेसिबल साउंड ऐसी और रखने की कोशिश की जा रही है कि अब शोर ना लोगों तक पहुंचे, लोगों की अपने दिनचर्या, उनकी जो रूटीन है, उनके सोने में आराम में खलल ना पड़े, बच्चों की पढ़ाई में खलल ना पड़े, तो ये जो डेसिबल के मानक तय किए जा रहे हैं उनमें ही अगर नहीं होगा, उसके बाहर अगर उससे ज्यादा की साउंड होगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी उससे। और 700 से जिनकी अनुमति नहीं ली गई है जिला प्रशासन के जरिए उन्हें अवैध माना जाएगा और उन्हें उतारने के भी निर्देश दिए। चलिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।